उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है और उस संबंध में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिन का सत्र इस बार रखा गया? सत्र छोटा सा है, हमारी कोशिश है और सभी माननीय सदस्यों से हमारा आग्रह भी है कि सत्र में उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के भाग्य से जुड़ी समस्याओं पर तर्क करना चाहिए और सदन के एक एक मिनट का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी दलों के नेताओं को बुलाया है और उनके साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में सत्र के एक एक मिनट का सदुपयोग करने की बात होगी। विपक्ष को भी पूरा अवसर होगा, सत्र पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर होगा और हमको विश्वास है कि ये सत्र बहुत क्वालिटी वाली बहस का होगा। इस बार अभी 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई है और उससे जो उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो उत्साहित है। मतलब आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो चीजों से तैयार है? उन लोगों से, चूंकि उनका सवाल भी उसी तरह से होगा, उसी तरह से उनका हमला भी होगा। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, इनका उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है। हमको विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य किसी अन्य राज्य के चुनावों को लेकर सदन में बहस करना और समय बर्बाद करना ऐसा नहीं करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के पास अपने क्षेत्रीय समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को लेकर प्रश्न आएंगे, उत्तर आएंगे, बहस होगी। प्रत्येक नियम में बहस होगी, होनी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। इस बार की विधानसभा से सदस्यों से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं और किस प्रकार की तैयारी है जो विधानसभा चले उसके बाद में उत्तर प्रदेश को मिले? उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे सभी सदस्य जागरूक हैं, विधानसभा के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जानते भी हैं। हमारी उन माननीय सदस्यों से बस यही अपेक्षा है कि सदन के एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास होना चाहिए कि विधानसभा की कार्यवाही में उसकी बातें कही गई। हमारे साथ थे दीक्षित जी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सदन चलेगा और उन्होंने अपेक्षा भी की जो सदन के सदस्य हैं वह जिम्मेदार हैं और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को वो बखूबी उठाएंगे, जिस पर सरकार भी अमल करेगी। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।